हाय फ्रेंड्स, मैं हम सूर्य है और आप देख रहे हैं ओटीटी क्रेजी। जी हां दोस्तों, यहां पर मैं अपडेट देता हूं सिर्फ ओटीटी की। और 8 मार्च 2021 को कल एक फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम था बॉम्बे रोज। ये 2D एनिमेशन में बनी फिल्म है जिसे बनाने के लिए लगभग 1.5 साल लगे। 60 एनिमेटेड आर्टिस्ट इसमें लगे और ये जो एनिमेशन किया गया है 2D, ये कंप्यूटर जनरेटेड एनिमेशन किया गया है। और मेरे ख्याल से ये वन ऑफ द बेस्ट फिल्म 2021 की मैं कह सकता हूँ एनिमेटेड फिल्म। और कैसा है ना, अभी तक मैंने एनिमेटेड फिल्मों का मैं एक्चुअली बहुत दीवाना हूँ और मैंने हॉलीवुड फिल्मों की लगभग 70-80% एनिमेटेड जो भी फिल्में हैं मैं देखी है। लास्ट फिल्म जो मैंने देखी है राया एंड द लास्ट ड्रैगन, तो कुल मिला के एनिमेटेड फिल्में टॉम एंड जेरी भी आई थी उसे भी देखा था मैंने। वो एक्चुअली लाइव है ना, रियल लाइफ थोड़ा सा एनिमेटेड फिल्म थी, टॉम एंड जेरी थोड़ा अलग सा था। एनीवेज, एनिमेटेड फिल्मों का मैं बहुत शौकीन हूँ और मुझे अच्छा लगता है जब कोई एनिमेटेड फिल्म जो इमोशंस है वो टच कर जाती है। और वैसे ही बॉम्बे रोज है, एक मुस्लिम लड़का है सलीम नाम का, वो कश्मीर से बिलोंग करता है लेकिन वो मुंबई में आता है, एकदम गरीब रहता है, सड़कों पर सोता है और जो क्रिश्चियन लोग के चर्च में जो फूल उल चढ़ाते हैं लोग, उस फूल को चुरा कर उसी को पब्लिक के लिए बेचता है, ठीक है। और तो सलीम को सड़क के दूसरे जगह दिखती है एक लड़की जो फूल बनाती है और रात को वो बार डांसर रहती है, मतलब एक बार में डांस का काम करती है, ठीक है। तो अब सलीम को धीरे धीरे उसकी शराफत देखकर उससे प्यार हो जाता है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि जो यहाँ पर है ना, जो लड़की है, जो हिंदू लड़की है, वो मुस्लिम है, ऊपर से वो हिंदू लड़की का एक शादी ऑलमोस्ट टूटा हुआ है, इस तरह से कुछ लॉजिक है। वो अपने पिता और अपनी एक बहन का ख्याल रख रही है और दोनों की ट्विस्टेड लव स्टोरी है, दोनों की लाइफ में कहीं भी सुकून नहीं है। ऊपर से एक बंदा है जो दुबई भेजने का प्लान करता रहता है लड़की को, है ना, जो हीरोइन है उसे, ताकि वो एक अच्छा ज्यादा कमा सके, ताकि उसकी बहन और उसके है ना पिता का देखभाल इस तरह से कुछ हो सके ना, पिता तो नहीं दादा रहता एक्चुअली। तो कुल मिला के सीन ये रहता है कि क्या सलीम के साथ जो लड़की है वो क्या दोनों का ये प्यार सक्सेसफुल हो पाएगा, क्या समाज इस तरह की चीजों को एक्सेप्ट करेगा। इस सब चीजों को दिखाया गया है एनिमेटेड के जरिए, यानी कि एनिमेशन है पूरा, कोई भी कैरेक्टर दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ पे अनुराग कश्यप की भी आवाज है, मकरंद देशपांडे की भी आवाज है, ऐसे कई सारे एक्टर्स की आवाज है जो बहुत ही अच्छी लगेगी आपको। मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट एनिमेटेड फिल्म मैं कहूंगा, बहुत ही फील गुड फिल्म है। और जैसे कि आपने अगर बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री को खुद फॉलो किया होगा 1950 से लेकर 2000 या 2010 तक, तो आपको 60-70 साल का जो बॉलीवुड मसाला फिल्में होती है ना, वो आपको इस एनिमेटेड फिल्म में दिख जाएगी। इसको बॉलीवुड टच देकर बनाया गया है, इस एनिमेटेड फिल्म को बहुत ही सुंदर। जैसे राया एंड द लास्ट ड्रैगन में एनिमेशन बहुत ही डिटेलिंग है, बहुत सुंदर है, तो वैसे ही इस 2D एनिमेशन में भी आपको ऐसा लगेगा कि मतलब किसी ने जान हथेली पर रख दी है। और कई सारे लोग जो मुंबई के हैं, बॉम्बे के हैं, तो उन्हें पता है मुंबई नगरी और वो ज्यादा रिलेट कर सकेंगे इस फिल्म से। तो बॉम्बे रोज मेरी रिकमेंडेशन आपके लिए, एक मास्टरपीस फिल्म है, मेरे हिसाब से 5 में से 5 स्टार डिजर्व करती है। सो ओटीटी क्रेजी के सभी दर्शकों के लिए यही कहूंगा, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे मैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। यहाँ पे आने वाले वक्त में बहुत सारे अपडेट्स देता रहूंगा। और ये बॉम्बे रोज जो 1 आवर 37 मिनट की फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई, इसे बिना देखे बिना कुछ सोचे इसे फटाफट देख लीजिए, ठीक है, तो आपको अच्छा लगेगा। चलिए फिल्म कितना है।